दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अनसीन दुनिया के बारे में? चलिए आज हम साथ में चलते हैं सूरह अल जिन्न की गहराई में, एक ऐसा चैप्टर जो हमारे सामने खोलता है उस दुनिया के रहस्य जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सूरह अल जिन्न कुरान का 76वां चैप्टर बहुत ही गहरा रेवलेशन है जो जिन्न के एग्जिस्टेंस और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है। ये सूरह शुरू होता है पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ड्रामेटिक नरेशन से, जो उस गवाह का बयान करते हैं जब जिन्न का एक ग्रुप कुरान को सुनता है और इस्लाम को अपना लेता है। कहो, मुझे वही रेवलेशन दी गई है कि जिन्न के एक ग्रुप ने सुना और कहा, बेशक हमने सुना है एक अजीब कुरान। सूरह अल जिन्न वन जिन्न इंसानों की तरह इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन बिना धुएं की आग से। वो एक पैरेलल दुनिया में रहते हैं और उनके पास भी फ्री विल है, यानी वो खुद गुड और ईविल के बीच में चुन सकते हैं। ये सूरह आगे बताता है कि जिन्न कितने हैरान हुए डिवाइन मैसेज को सुनकर। वो अपनी समझ को बताते हैं कि उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ है और वो राइटसनेस की राह पर चलने को तैयार हैं। और हमने आसमान तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसे भारी पहरेदारों और जलती हुई आग से भरा पाया। सूरह अल जिन्न 8, ये आयत बताती है कि जिन्न ने कैसे चोरी से उस असेंबली को सुनने की कोशिश की जहां फरिश्ते बातचीत करते हैं, और फिर उन्हें सजा मिली। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह कितना पावरफुल है और हर जगह मौजूद है। अब चलिए इस सूरह की तफसीर एक्सेजीसिस में और गहराई से देखें। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक सूरह अल जिन्न कुछ खास थीम्स पर जोर देता है, मसलन मोनोथीज्म की अहमियत, अनसीन दुनिया की हकीकत और अल्लाह के सामने सबकी जवाबदेही। जिन्न का गवाह बनना इस बात को साबित करता है कि इस्लाम का पैगाम यूनिवर्सल है, मतलब गाइडेंस सबके लिए है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। अल्लाह की सॉवरेंटी को मानना तौहीद के मेन आइडिया को दिखाता है, यानी अल्लाह की एकता को। और हमारा ये यकीन है कि उसने हमारा रब कितना बुलंद है, कोई बीवी या बेटा नहीं बनाना है। सूरह अल जिन्न 3, ये आयत उन बातों को झुठलाती है जहां लोग कहते हैं कि अल्लाह की कोई औलाद है, और इस बात पर जोर देती है कि इस्लाम में प्योर मोनोथीज्म है जो इस्लामी यकीन की बुनियाद है। इसके अलावा ये सूरह हमें खबरदार करता है कि हम जिन्न से प्रोटेक्शन न मांगे, क्योंकि इस्लाम से पहले के अरब लोग ऐसा ही करते थे। इसकी बजाय ये सूरह कहता है कि बिलीवर्स सिर्फ अल्लाह से ही पनाह मांगे, और इंसानों में से कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्न के कुछ लोगों से पनाह मांगते थे, तो उन्होंने केवल उनका बोझ बढ़ाया। सूरह अल जिन्न 6 आखिर में, सूरह अल जिन्न एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है जो हमें अनसीन दुनिया की गहरी समझ देता है और हमारे फेथ के मेन प्रिंसिपल्स को मजबूत करता है। जब हम इन आयतों पर गौर करते हैं तो हमें चाहिए कि अनसीन पर अपना यकीन मजबूत करें और अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन और गहरा करें। इस स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया, और कुरान की गहराई में जाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अस्सलामु अलैकुम।